तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब डंकी शाहरुख खान, मतलब देखो ये स्टार्टिंग बड़ी एवरेज स्टार्ट हुई थी, एवरेज ओपनिंग हुई थी, लेकिन भाई कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। ये रेंज झेल रही है वो प्रॉपर वर्किंग डेज का, लेकिन जो हॉलीडेज में कमाई आई है वो एवरेजली आई है। जिस हिसाब से अगर हम कंपेरिजन करें जवान पठान से, तो उस हिसाब की ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिली, लेकिन भाई हिंदी ऑडियंस अच्छा प्यार दे रही है, खुल के सपोर्ट कर रही है। और ओवरसीज से मैं कह रहा हूँ भाई, ओवरसीज से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जहाँ सालार का अगर हम देख लें तो डोमेस्टिक रीजन पर डंकी को खदेड़ रहा है अच्छे खासे, मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिल रहा है डंकी के मुकाबले, 10-12 करोड़ 20 करोड़ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक रीजन नेट इंडिया से। लेकिन भाई ओवरसीज में ये मूवी डंकी और सालार दोनों बराबर पर चल रही है। डंकी बिल्कुल स्लाइटली टच कर रही है ओवरसीज के कलेक्शन को, बावजूद इसके भाई हॉलीवुड की एंटी डीसीयू की मोस्ट लवेबल फ्रेंचाइजी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम चल रही है, बावजूद इसके ये मूवियाँ दोनों मूवी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। और डंकी तो अलग ही बात फाड़ रही है भाई, डंकी को कवर अप करते हैं कि पहले 6 दिन में ये मूवी क्या तबाही मचा चुकी है। आज 7वें दिन में एंट्री मार चुकी है, पहला बुधवार है इसका फर्स्ट वेडनेसडे, और कल ये सेकेंड वीक पर एंट्री मार जाएगी, और थर्सडे को ये मूवी रिलीज करी गई थी, और कल फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या रहेगा सिनेरियो, सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे, क्या ही कलेक्शन आ चुका है, क्या करना है। वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। डे 6 कल की अगर बात करें, कल को स्कैन करें, कल सारी रिपोर्ट को स्कैन करें तो नेट इंडिया से 11 करोड़ आते नजर आ रहा है भाई। प्रॉपर वर्किंग डेज में धज्जियाँ उड़ गई है दोनों मूवीज की, सिर्फ इसकी नहीं सालार की भी ग्रोथ बहुत नीचे आ चुकी है। लेकिन फिर भी डंकी को देखा जाए तो भाई एवरेजली इसकी ग्रोथ 20-25-30 करोड़ के आसपास ही है। तो अगर ये 11 से 12 करोड़ में भी टच कर जा रही है कल डे 6 पर, यानी कल फर्स्ट प्रॉपर वर्किंग डे पे, तो उतना ज़्यादा इसको घाटा नहीं देखने को मिल रहा है। क्रॉस कलेक्शन 14 करोड़ ओवरसीज से, 10 करोड़ और पूरी दुनिया से 24 करोड़ ये मूवी का लैंड ऑफ द डे तक कमाते नजर आ रही है। तो पहले 6 दिन में नेट इंडिया से कितना आ गया भाई साहब, नेट इंडिया से 151 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन पहले 6 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक आते नजर आ रहा है। इसी के साथ क्रॉस इंडिया कलेक्शन 170 करोड़, ओवरसीज से भाई साहब 113 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक पहले 6 दिन में कवरअप कर चुकी है। पूरी दुनिया से 280 करोड़ देखा जाए तो फिर भी ठीक है भाई, 120-130 करोड़ के आसपास इसका बजट है, और 280 करोड़ कमाना मतलब एक अच्छा ग्रोथ है, अच्छा सिनेरियो है इस मूवी के लिए, फेवर में है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिर भी फेवर में है। लेकिन ब्लॉकबस्टर हिट हो गई नहीं हो गई ये अभी कहना बड़ी जल्दी हो जाएगी, लेकिन सुपर डुपर हिट ये मूवी चल रही है। तो भाई हालात तो ख़राब हैं, क्या 500 करोड़ भी टच कर जाएगी एक बार के लिए? ऐसे कलेक्शन आते रहे अगर वर्किंग डेज का रेंज झेल लिया, कल थर्सडे है और फ्राइडे है, अगर 2 दिन ये टिक गई तो भाई फिर सैटरडे संडे को यह तबाही मचा डालेंगे, क्योंकि भाई हेटर्स की नज़र रहती है। और कहीं ना कहीं जो क्लैश चल रहा है भाई, सालार के फैंस जो डाई हार्ड फैंस हैं वो ट्रॉल कर रहे हैं, डंकी को ट्रॉल कर रहे हैं, डंकी के जो फैंस हैं मतलब सालार शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो सालार को ट्रॉल कर रहे हैं। तो उन्हें आगे मौका मिल जाएगा कि भाई देखो वर्किंग डेज में आके इनकी हालत कैसी हो जा रही है, मतलब 11 करोड़ 12 करोड़ जो जवान पठान इतना कमा के गए, मतलब इस मूवी में कुछ मतलब बहुत सी थ्योरी बन सकती हैं छोटी सी छोटी चीज़ के हिसाब से। तो वही चीज़ों पर नज़र गड़ा के बैठे पड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर 2 दिन झेल गई रही तो मज़ा आ जाएगा भाई। आज बात करते हैं डे 7 की, आज वेडनेसडे कैसा क्या सिनेरियो चल रहा है। आज एडवांस बुकिंग भाई 3 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो प्रॉपर वर्किंग डेज का रेज जो है मूवी मुझे नहीं लग रहा है कि झेल पा रही है। देखा जाता है क्या होता है कि मुद्दे की बात पर आते हैं कि नेट इंडिया से आज एंड ऑफ द डे तक कितना कवर अप करती नजर आ रही है भाई। आज ये मूवी लगभग में लगभग 9 करोड़ 8.5 करोड़ के आसपास नेट इंडिया से कवर करते नजर आ रही है। ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ ओवरसीज से 7-8 करोड़ के आसपास, एंड पूरी दुनिया से 20 करोड़ ये मूवी टच करते नजर आ रही है, जो देखा जाए तो फिर भी ठीक है, एवरेजली ठीक है। लेकिन भाई वर्किंग डेज में अगर ऐसी हालत रहेगी तो फिर कल थर्सडे है और थर्सडे को और ज़्यादा नीचे आ गया तो कहानी कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा जाएगी, क्योंकि भाई क्लैश चल रहा है। ऑडियंस क्या करेगी कि भाई सीधा अपना इंटरेस्ट दूसरी तरफ मोड़ देगी, क्योंकि चॉइस हैं, ऑप्शंस बहुत हैं इस टाइम ऑडियंस के पास। यहाँ से अगर उन्हें लगा कि भाई ये मूवी नहीं चल रही है, इसके खराब रुझान देखने को मिल रहे हैं, तो ऑडियंस सीधा उधर रुख मोड़ लेगी। तो भाई आज पहले 7 दिन में ये मूवी कितना कवर अप कर लेगी भाई, 300 करोड़ के आसपास ये मूवी टोटल कवर करते नजर आ रही है, जो देखा जाए तो ठीक ठाक रेस्पॉन्स है और अच्छा रेस्पॉन्स है। और 300 करोड़ ये पहले 7 दिन में कर लेती तो भाई ईजिली लाइफ टाइम कलेक्शन 500 करोड़ ये टच कर सकती है। क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग क्या राय है, क्या 500 करोड़ क्या 600 करोड़, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट से जरूर बता के ना। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद।